दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ अपनी तीसरी जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने ईडन गार्डन के मैदान पर बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। हालांकि ये जीत उनके लिए लगातार 4 मैच हारने के बाद मिली। इसी के साथ सभी क्रिकेट फैंस ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम इस विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुँच पाएगी या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में हार का चौका लगाने के बाद अपनी तीसरी जीत का स्वाद कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान में चखा। बता दें कि ईडन गार्डन में बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करते हुए 45.1 ओवर में 204 रन के मामूली स्कोर पर सिमट गया। इसके बाद पाकिस्तान ने 32.3 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल किया। पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर रहे फखर जमान ने 81 रन जोड़े, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। अब्दुल्ला शफीक ने 68 रनों की पारी खेली। मोहम्मद रिजवान 26 रन बनाकर नाबाद लौटे। इफ्तिकार अहमद ने नाबाद 17 रन बनाए। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज ने 3 विकेट झटके। बता दें पाकिस्तान की ये 7 मैचों में तीसरी जीत है, जिससे उनकी सेमीफाइनल की मामूली सी उम्मीद जिंदा है। अब उनका सामना 4 नवंबर को न्यूजीलैंड से होगा। जिस तरह शानदार फॉर्म में न्यूजीलैंड है, उसे देखकर पाकिस्तान का जीत पाना फिलहाल मुश्किल लगता है। पाकिस्तान का आखिरी लीग मैच 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ है। इंग्लैंड भले ही खराब दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसने भारत को 229 रनों पर रोक लिया था। ऐसे में पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। बांग्लादेश को लगातार 6ठी हार का सामना करना पड़ा है और इनके टूर्नामेंट में अभी 2 मैच बाकी हैं। ऑफिशियल रूप से यह पहली टीम है जो अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। बांग्लादेश के लास्ट 2 मैचों में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा। इसके बाद लीग स्टेज के इसके सभी मैच समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों पॉइंट्स टेबल की बात करें तो भारत 12 अंकों के साथ टॉप पर है, जिन्होंने अपने अभी तक के सभी 6 मैच जीते हैं। साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर है, जिसने 6 में से 5 मैच जीते हैं। इन दोनों टीमों का सेमीफाइनल में पहुंचना पक्का लग रहा है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 4-4 मैच जीतकर तीसरे और चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान अभी 5वें नंबर पर है। न्यूजीलैंड शानदार फॉर्म में है और उसका अगला मैच साउथ अफ्रीका से है, जो बेहद कड़ा रहने वाला है। फिर न्यूजीलैंड का मैच पाकिस्तान से होगा। अगर पाकिस्तान को रेस में रहना है तो उसे न्यूजीलैंड को हराना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान भी उसके लिए खतरा है, जो 6 में से 3 मैच जीतकर नंबर 6 पर है। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले या नहीं? अपनी राय जरूर कमेंट करें।